हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिनके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, लवर या बिलवेट इस वक्त रूठे हुए हैं किसी डिस्प्यूट की वजह से, आपसे कांटेक्ट में नहीं है। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर एब्सेंस। आपकी एब्सेंस में इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपके पार्टनर से या आपसे रेजोनेट हो रही हैं, तभी इस रीडिंग को आप एज अ गाइडेंस काम में लें। एज अ गाइडेंस से मीनिंग है आप भी अपने पार्टनर को सेम वे में रिएक्ट कर सकें। सो जो भी आपके पर्सन हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये रीडिंग स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए है जिनका अपने पार्टनर के साथ ऑन ऑफ कनेक्शन है, और हो सकता है कि अभी तक कन्फेस नहीं किया है, तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। इस रीडिंग से देख रहे हैं आपकी एब्सेंस में आपके पर्सन की लाइफ में व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सो आप उन्हें विजुअलाइज करें और उनका नाम लें। सेवन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। इस पर्सन का अटेंशन इस वक्त आपके अलावा वर्ल्डली थिंग्स पर भी है। मटेरियलिस्टिक, मनी माइंडेड ये पर्सन हो रहे हैं इन दिनों, और साथ साथ इजीली अट्रैक्टेड बाय मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म से अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज लाइक इस पर्सन की लाइफ में देर हैज़ बीन सम डार्कनेस, कुछ मुसीबतों का पहाड़ टूटा है और इस पर्सन ने उसे फेस किया है, और दिस इज़ लाइक इस पर्सन को कोई सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से दिस पर्सन इज़ लाइक दिस। इनका अटेंशन अदर थिंग्स पर या अदर पीपल पर भी है। द डेविल, द हर्मिट, तो साफ पता लग रहा है द हर्मिट से लास्ट 3 to 4 months से या 9 months से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं आपको। और 9 of Wands भी है यहाँ पर, इट मींस इस वक्त ये पर्सन रेस्ट्रिक्शंस में भी है, साथ साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। 9 number है, सोसाइटी को ज़्यादा बताता है, तो सोशल रेस्ट्रिक्शंस, फैमिली के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं इस पर्सन पर। इस पर्सन का करंट स्टेटस द डेविल आया है। दिस इज़ लाइक इफ़ यू आर श्योर कि थर्ड पार्टी कोई नहीं है, तो ऐसे में आप दोनों के बीच जो नेगेटिविटी है दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम डेविल एनर्जीज, इनकी वजह से हो सकती है। और इफ़ यू आर श्योर कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, तो ऐसे में दैट कनेक्शन सीम्स टू बी कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट में है, रेस्ट्रिक्शंस में है। कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं किसी के, बट दिस इज़ लाइक डेविल एनर्जीज वाला कनेक्शन है। दिस इज़ बेस्ड ओनली ऑन अट्रैक्शन, सिर्फ ऐसा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकल बिहेवियर आया है इस पर्सन का। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस पर्सन एट प्रेजेंट इज नॉट फर्म, ये अभी कॉन्फिडेंस के लायक नहीं है एट प्रेजेंट। इट मीन्स इस वक्त इस पर्सन के एक्शंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। दिस पर्सन कैन नीदर कमिट टू यू नॉर टू एनीवन, तो ये इस वक्त किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। 7, 8, 9 number आया है इस रीडिंग में। 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस पर्सन से रेलिवेंट हो सकते हैं, इनके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। वर्गो, स्कॉर्पियो और लियो साइन ज़्यादा आया है। किंग ऑफ वॉन्ट्स इस पर्सन के लिए एज एन ऑब्स्टेकल आया है। दिस इज़ लाइक समवन इज़ देयर जो इस पर्सन को कंट्रोल करते हैं, और साथ साथ ये जो पर्सन है आपके केस में, दिस पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक। किंग ऑफ वॉन्ट्स वाले ये पर्सन हैं, इगोइस्टिक एटीट्यूड आपको दिखाते हैं, दैट्स वाई आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंस है।
बर्डन भी है लाइफ में, और ये सब बर्डन है बिकॉज ऑफ अ कार्मिक सिचुएशन, जो चल रहा है डिस्टर्बेंस वो होना ही था। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, और इस पर्सन की मुसीबतें डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। नाइन ऑफ वांड्स इमीडिएट फ्यूचर है, टेन ऑफ वांड्स और आगे देखते हैं तो 3 to 4 months के बाद का फ्यूचर है, और ये जो भी हो रहा है दिस इज़ लाइक द वर्ल्ड। इट मीन्स सर्कमस्टेंसेस जो भी हैं वो कार्मिक क्रिएट होनी थी सो दैट इस पर्सन को एडिक्शंस और अपने ईगो से फ्री किया जा सके। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी। इस पर्सन में एडिक्शंस भी हैं और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हैं, कमिटमेंट किसी एक को नहीं दे सकते हैं एट प्रेजेंट। पुल ऑफ कोर्स आपकी ओर महसूस करते हैं, आपकी और अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं, बहुत मुश्किलों के साथ अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। इट मींस आपको जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, वो भी हैप्पी नहीं है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इस पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड है। द लवर्स कनेक्शन है आपके साथ, नाइन ऑफ कप्स, और आपके साथ ही अपनी विशेस भी फुलफिल करेंगे। इस रीडिंग में एंजल नंबर 999 आ चुका है, द हर्मिट 9, नाइन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स, 999 एंजल नंबर बना है यहाँ पर। और जिस तरह से ये नंबर आया है यू कैन सी कुछ टाइम पीरियड आप दोनों के बीच द हर्मिट वाला है, साइलेंट जॉन वाला है, देन रेस्ट्रिक्शंस हैं, और जब इस पर्सन की लाइफ में बर्डन बढ़ता है और ये पर्सन अपने ईगो से और एडिक्शन से फ्री होते हैं तो यहाँ नाइन ऑफ कप्स है, द लवर्स के साथ है। इट मीन्स आप दोनों का कनेक्शन फिर से रिवाइव हो सकता है, होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए आया है, आप नहीं समझ पाते हैं कि ये पर्सन आपके माइंड में क्यों आते हैं, और आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं क्लैरिटी पाने को। ऑल राइट, सो वी शैल क्वालिफाई, कुछ बातों को क्वालिफाई करते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स है इस पर्सन का प्रैक्टिकल बिहेवियर और नाइन ऑफ वांड्स। इट मींस ये पर्सन पुल महसूस करते हैं आपकी ओर, साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस में भी हैं, बड़ा कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, और इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्शन किस तरह लेना है, और एट प्रेजेंट यू कैन एक्चुअली नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, आप इन पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इवन इफ दिस पर्सन गेट्स कनेक्टेड तो भी आपको थोड़ा केयरफुल अभी रहने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको हो सकता है जब आप कनेक्टेड थे तब भी अपना ईगो और अपने रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको हर्ट किए हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन के एक्शन क्लियर क्यों नहीं हैं और साथ साथ ये पर्सन किन रेस्ट्रिक्शंस में हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन है, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी है। ऑलराइट, देखिए ये पर्सन चाहते हैं कमिटमेंट देना, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी है यहाँ पर, आप से कॉम्पिटेबिलिटी महसूस करते हैं। इस वक्त थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है। इफ़ दिस पर्सन इज़ इन सम कार्मिक रिलेशन तो इसी वजह से ये थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। द डेविल यहाँ है और द लवर्स यहाँ है, आपके साथ जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पर है, और एज अ फाइनल आउटकम जो आया है दैट इज नाइन ऑफ कप्स। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइन ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं। बट इस पर्सन को अभी अपने एडिक्शंस और अपने ईगो को छोड़ने में टाइम लगने वाला है। टेन ऑफ वांड्स द वर्ल्ड, ये फुल स्टॉप तो लगने वाला है इनकी कार्मिक सिचुएशंस पर, बट दिस इज लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में आ जाएंगे अपनी लाइफ में, तब जाकर के ये अपने ईगो और एडिक्शंस को छोड़ रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स से भी एडिक्शंस का ही पता लगता है, इस पर्सन का अटेंशन वर्ल्डली और मटेरियल थिंग्स पर ज़्यादा है।
आई एम सॉरी फॉर दिस चिल्ड्रंस नॉइज, चिल्ड्रन नॉइज, चिल्ड्रंस नॉइज। ये यहाँ पड़ोस वाले घर पर हैं। तो अब हम क्वालिफाई कर रहे हैं, नाइन ऑफ कप्स मीन्स व्हाट, नाइन ऑफ कप्स का मीनिंग क्या है, किस तरह का फाइनल आउटकम आ रहा है, इस पर्सन की सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट तो आएगा, देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है। द व्हील आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून विद जस्टिस, द वर्ल्ड कॉन्ग्रेचुलेशन, तीनों मेजर अड़काना के ये कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, दिस इज लाइक, ये जो भी चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, रेस्ट्रिक्शंस, कार्मिक रिलेशन, साइलेंट होना, साथ साथ थोड़ा डिप्रेशन भी होना और अपने एक्शंस को मैनेज नहीं कर पाना, हार्डशिप देखना, दिस विल ऑल बी फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप हो जाने वाला है ये सब अगले 3 मंथ्स में कह सकते हैं। उसके बाद एनर्जीज विल बी शिफ्टिंग, एनर्जीज शिफ्ट होंगी, शिफ्ट होंगी इट मीन्स ये पर्सन, देखिए द व्हील में लिखा हुआ है, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रेवल और अ न्यू व्हीकल। तो इस तरह से सडनली इस पर्सन की एनर्जीज शिफ्ट होंगी। दिस इज लाइक, ये पर्सन इस वक्त एनेस्थीजिया में है, इन्होंने अपने आप को एनेस्थीजिया दिया हुआ है, इन्होंने अपने आप को डार्कनेस में रखा हुआ है, ये थिंग्स को क्लियरली नहीं देख रहे हैं और जैसे ही द वर्ल्ड के चलते कार्मिक सिचुएशंस पूरी हो जाती हैं उसके बाद दिस पर्सन विल बी हील्ड। अवेकनिंग आ गया है बॉटम ऑफ द डेक में, शफलिंग के टाइम एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं। जेमिनी, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं, वर्गो भी उतना ही प्रोमिनेंट है। एंजल से पूछते हैं अबाउट दिस पर्सन एंड यू, आप दोनों के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अपॉर्चुनिटी, अगले कुछ मंथ्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का यहाँ मीनिंग है, थोड़ा अभी इस पर्सन की लाइफ में टाइम लगने वाला है कार्मिक सिचुएशंस को एंड होने में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ मंथ्स में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस पर्सन को। देन विल ऑफ फॉर्चून जब लाइफ में आएंगे तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। शल वी क्वालिफाई, क्वालिफाई करके देखते हैं किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस पर्सन को। ये रीडिंग एंजल गाइडेंस आप और आपके पर्सन दोनों के लिए म्यूचुअल ही है, तो हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगले कुछ मंथ्स में। दिस इज लाइक 3 मंथ्स के नियर अबाउट, और टाइम फ्रेम को लेकर आप लोग ज़्यादा फोकस्ड भी ना रहें। सिक्स ऑफ हार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिक्स ऑफ हार्ट है इट मीन्स दोनों के बीच इमोशनल लेवल पर बैलेंसिंग हो जाएगा। सिक्स नंबर वीनस का नंबर है, लव लाइफ और करियर दोनों में इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।